दीदी क्या हुआ दीदी किसे फोन कर रही हो पापा से बात करनी है। क्यों क्या हुआ कब से फोन कर रही हो? फोन ही नहीं उठा रहे पापा हाँ इंसल्ट किया तुझे टच किया दीदी ठीक है हुआ क्या बता मुझे कॉलेज में हद से ज्यादा रैगिंग हो रही है मतलब क्या किसी ने कुछ बोला क्या ये और दिस इज यस हियर इफ इट्स नॉट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट आई सजेस्ट यू वेट मैंने प्रपोज करना हि को क्रिटिकली इंपॉर्टेंट ओके आई थिंक यू शुड लीव ये सच्चा प्यार है मैडम

तुझे जमाने का डर नहीं होता पुलिस का भी डर नहीं होता कॉलेज ने भी बहुत कुछ कहा है कॉलेज में हद से ज्यादा रैगिंग हो रही है आई कांट हैंडल इट रैगिंग मतलब क्या किसी ने कुछ बोला किसने छेड़ा मेरी बहन को क्या झंड लाइफ है यार मैं फिर से पूछ रहा हूँ किसने छेड़ा मेरी बहन को स्कूल के बच्चे बोलेंगे अब हमें <laughs> मैम ये बच्चा क्लास इंटरप्ट कर रहा है कुछ बोलो ना इसको ओए मोगली <laughs> चल दफा हो जाए तो ओए चल निकल <laughs> तू तो यहीं रुक दीदी मैं आता हूं रागिंग का सीजन तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है मैडम अभी तो जलवा बाकी है सर मैं बताता हूँ टोटल चार लोग थे लंच के बाद चले गए लोकेश संजीव करण डिम्पी सर कल आप प्लीज फिर आएंगे वो लोग आपको यहीं मिलेंगे तो हीरो समझता है अपने आप को गुंडा है तो फाइट गन इन क्लास यू वांट मी तो टू स्टडी देयर और नॉट पापा को देखो पता चलता तो क्या होता है ये अपना कॉलेज है दीदी और खुद के कॉलेज में अगर तू सेफ नहीं है तो क्या पॉइंट है और तेरी सेफ्टी के लिए गुंडा क्या दीदी? मैं कुछ भी बन सकता। हूं। Don't worry, ये अभी खत्म नहीं हुआ दीदी। कल फिर से आता हूँ मैं। मेरे लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं है। दीनी, गलती करी तुझे बोल के। कैसे पागल होके? क्या करें दीनी? Let me concentrate. आपके पास इन सब के लिए टाइम का है मैं क्या करता गन बजूका टैंक जो मेरा लेकर गया लेकर गया तुम तेरा दिमाग खराब हो गया हाउ यून यू फायर कम अगेन गन बजूका टैंक जो मेरा दीदी इस बार ऐसा कुछ हुआ ना कॉलेज में तो डराऊंगा नहीं सीधा गोली मर दूंगा दीदी यू नो मच आई लव यू ना मुझे वो सब नहीं पता जाके वरुण को सॉरी बोल ये कॉन्सेंट्स नहीं हो सकता तो पूछ ले क्लियर कर ले क्या पूछो कि तुमने मुझे ब्रेकअप करने के लिए किसी कंसल्टेंट को कॉल किया ही नहीं ये उसके लिए उसे ये तो बताना होगा ना कि ये धंधा भी है मेरा हां जी हां जी एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी सर्वेलेंस शुरू करने के लिए लड़के का नाम और एड्रेस चाहिए रोक तो ले भाई क्या कर रहा है एक बार तो रोक यार पैकेज लिया दो करने राजी है इसी बात पे कूद जाना चाहिए होने वाली बीवी जो होना नहीं चाहती उसकी आवाज नहीं पहचान पाया सही कर रही है वो ऐसे आदमी के साथ भाई अलग नंबर लिया इसने मुझे ब्रेकअप करने के लिए और कौन सोचता है ये तो दूर दूर तक नहीं आता ना दिमाग में कि अपनी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है तेरे पाप तेरी ही मारने वापस आए हैं इतने प्रेमी प्रेमिकाओं का काटा तूने भाई उद्धार किया है और मेरे पाप साले आधा हिस्सा लेता है तू तो। पैसे आए ना इसके ये ले पैसे ये ले उसने पैसे भाई लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा तेरा नाम तू पहला मर्द है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के पैसे ले रहा है यू शुड बी प्राउड मुझे तो गर्व है अगला ब्रेकअप होगा तो बोलना लड़की को कि पिछली वाली तो पैसे गई थी। घंटा ब्रेकअप इसको मैं दिखाता हूं नहीं करती प्यार तो बोले ना नहीं करती ये क्या घटिया तरीका है? अब लुक मत दे। हमारे से ही। चोर से चोरी मकार से मकारी हाय। हाय। एक बात बता सिंगल है ना रिलेशनशिप में तो नहीं है नहीं क्यों ख्याल आ रहे थे बहुत सारे बट मैंने रोका हुआ था फवाने दूंगा परमिशन ले रहा है इंक्वायरी निकाल रहा हूं अभी तो मोहल्ले में घुसा हूं थोड़ा ताड़ लू थोड़ा जान लू घर के दरवाजे तक तो पहुंचूंगा तो परमिशन भी ले लूंगा भाई ये तो फुल लाइन मार रही है मुझ पर क्यों क्या बोल रही हाय हाय बोलना लाइन मारना होता है वो हाय नहीं हाय हाय वाला हाय था यार ये वाली कब से लाइन मारने लगी मतलब दस में से छह सात वाली तो मारती है बट ये तो बारह है और ये मुझ पे लाइन मार रही है यानी मैं तो तेरा हूं पिन्नी मिकी लड़का हो या लड़की पिक्की फिर हाय जनार्दन जे जे फॉर शॉर्ट बात करनी है किस बारे में एक्चुअली तू ना, बड़ी कूल लगती है मुझे ये कहना था और हॉट भी कितनी है तू खमा कम्बो है ना हॉट कूल सेम टाइम। एल्स हाँ आई लव यू गर्लफ्रेंड बन जा मेरी तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर सिर्फ तू दिख रही है मुझे इतनी चटनी में दो समोसे खाऊ में मजाक चल रहा है यहां पर पर खटाना भाई रियल में प्यार करता हूं मैं उसे क्या बताऊं कैसा लगा जब उसने कहा बर्गर ऑफ बहुत ही हल्का आदमी है तू तो। ची 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 अबे दिल टूटा होता तो यहां बैठ के समोसे खा रहा होता चटनी की लड़ाई कर रहा होता हलक से निवाला उतरता हफ्तों तक शिद्दत होनी चाहिए प्यार में दर्द होना चाहिए कोई प्यार नहीं है कोई दिल का टूटना नहीं है ओ छापा नहीं है ड्रामा है तो क्या करूं मैं क्या तरीका है कैसे मैं एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संदीप रेड्डी द्वारा लिखित और संपादित और निर्देशित है और और टी सीरीज पिक्चर्स सिनेमा वन स्टूडियो द्वारा निर्मित है संदीप रेड्डी ने पुष्टि की है कि इनके स्विकल का जिसका नाम एनिमल पार्क रखा गया है और इसके रिलीज के डेट को लेकर पुष्टि की है कि इसे 2025 या 26 तक रिलीज किया जाएगा फिल्म में रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल रश्मिका मंदाना समर्थ कैमियो में और तृप्ति में डिमरी है इस फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी है लेखक संदीप रेड्डी पटकथा गोविंद भाना और संदीप रेड्डी वांगा के हैं और सौरभ गुप्ता के हैं निर्माता भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुदत खेतानी वैष्णु प्रणय रेड्डी वांगा संदीप रेड्डी वांगा है इस फिल्म के अभिनेता रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी रश्मिका मंदानी है अमित राय है संपादक संदीप रेड्डी है इस फिल्म के संगीतकार रचित परंपरा मिथुन अमल मलिक विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज और हर्षवर्धन रामेश्वर के हैं। इस फिल्म को टी सीरीज द्वारा बनाया गया और भद्रकाली पिक्चर के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्तिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त तो होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी वर्षेंड नवंबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और बाह्य चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्ण प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा थर्टी वन दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो स्विकल को दिशा में में बांधे रखता है। इस फिल्म रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में में मुंबई किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभवनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी ट्वेंटी थ्री को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्तिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त तो होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यहाँ सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातीत स्वीकल को दिशा में बांधे रखता है इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और बाह्य चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है सीन में एक एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अज्जर का और भाई हैक तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परंपरिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा थर्टी वन दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक सतन संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पर सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो स्विकल को दिशा में में बांधे रखता है। इस फिल्म रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में मनाली शुरू हुए दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में में मुंबई किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभवनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी ट्वेंटी थ्री को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्तिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभवनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यहाँ सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और बाह्य चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्ण प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा थर्टी वन दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त तो होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का को परिचय की जिम्मेदारी मानता है, सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं। जब अकबर का और एक भाई अज्जर का हैक प्रतियोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परंपरिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज़ का आसपास खतरे को संकेत होता है, जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीज़ के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अब्रार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभवनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी एन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी ट्वेंटी थ्री को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्तिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अभरार अब का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त तो होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातीत स्वीकल को दिशा में बांधे रखता है इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यहाँ सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत्तराधिकारी उत्तर है जो अंततः परंपराओं असमंज और बाह्य चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक सतन संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पर सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो स्विकल को दिशा में में बांधे रखता है। इस फिल्म रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभवनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्तिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अज्जर का हैक प्रतियोग के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्परिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीत का आसपास खतरे को संकेत होता है, जो संभावनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अब्रार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी थाउजेंड अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत्त, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त तो होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और बाह्य चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्ण प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है सीन में एक एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का का और एक भाई हैक तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परंपरिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातीत स्वीकल को दिशा में बांधे रखता है इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा थर्टी वन दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक सतन संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पर सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो स्विकल को दिशा में में बांधे रखता है। इस फिल्म रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में में मुंबई किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अभरार अब का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्तिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातीत स्वीकल को दिशा में बांधे रखता है इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त तो होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो स्विकल को दिशा में में बांधे रखता है। इस फिल्म रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं। रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यहाँ सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और बाह्य चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है सीन में एक एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का का और एक भाई हैक तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परंपरिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा थर्टी वन दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक सतन संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्परा सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो स्विकल को दिशा में में बांधे रखता है। इस फिल्म रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में मनाली शुरू हुए दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में पेट्रोल पैलेस में, में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अभरार अब का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभवनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल के दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्तिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध के तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभवनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा थर्टी वन दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी थाउजेंड अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत्तराधिकारी उत्तर है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त तो होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का है प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पारिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगू तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और बाह्य चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्ण प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है सीन में एक एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अज्जर का और भाई हैक तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परंपरिक सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभावनातित स्विकल को दिशाधर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी अक्टूबर-दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्तिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम कीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर है संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक सतन संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पर सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो स्विकल को दिशा में में बांधे रखता है। इस फिल्म रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना जो गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है गीतांजलि का किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज़ द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद तृप्ति द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में था जुलाई दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में पेट्रोल पैलेस में, में, में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में फिफ्टीन बाई ट्वेंटी के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर को हिंदी भाषा के साथ साथ तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब के लिए रिलीज हुई है फिल्म की कुल अवधि 201 मिनट की होगी जिससे यह सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है एनिमल को दर्शकों द्वारा जबरदस्त एक्शन मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से काम कर रही है इस बीच खबर आ रही है कि मूवी ओ मंच पर रिलीज होगी अब वो किस तरह किस दिन रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है इस फिल्म की स्टोरी रणविजय सिंह स्वास्थिक स्टील कंपनी के धनी व्यापारी अधिकारी उत, उत्तराधिकारी है जो अंततः परंपराओं असमंज और भाईय चुनौती का सामना करता है उनकी यात्रा उनके बहन की सुरक्षा करते हुए घर के निष्कर्ष हो, होने की अन्य पूर्णक प्रक्रिया से सामने सामना करते हुए और आखिरकार अपने प्रेम गीतांजलि से विवाह करते हुए खुलता है जब उनके पिताजी बलवीर को हमले से बचाया जाता है तो रणविजय खुद को इस साजिश का सुलझाने का कार्य सौंपता है जब तक पता चलता है कि अकबर हैकर ने संपत्ति विवाद के कारण हमला किया था तो रणविजय ने न्याय की तलाश में उतरता है एक स्वतंत्र संघर्ष और खुलासों की श्रृंगार दिखते हुए अब अबरार का अंत हो जाता है कहानी दिवाली के अवसर के दौरान समाप्त तो होती है जब बलविंदर रणविजय की क्रूरता के पीछे का स्वस्थ को परिचय की जिम्मेदारी मानता है पोस्टक्रिटर सीन में एक नए खतरे उत्पन्न होते हैं जब अकबर का और एक भाई अजर का हैक प्रतिरोध की तलाश में रणविजय का स्वरूप धारण करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करता है कहानी एक परम्पार्य सुलभ के साथ समाप्त होती है लेकिन अजीज का आसपास खतरे को संकेत होता है जो संभवनातित स्विकल को दिशादर्शक में बांधे रखता है। इस फिल्म में रणवीर कपूर जो रणविजय और अजीत के किरदारों में नजर आए हैं, अनिल कपूर जो बलविंदर सिंह के किरदारों में दिखाई दिए हैं, बॉबी देवल जो अबरार हैकर के रूप में दिखाई दिए हैं, रश्मिका मंदाना गीतांजलि के रूप में दिखाई दिए है किरदार लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म को एनिमल की आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई थी जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संपद संपद रेडी वांगा के थे फिल्म की घोषणा कुछ दिनों बाद डिमरी द्वारा फिल्म में एक भूमिका निभाने की खबर आई मार्च 2022 में यह बताया गया कि परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना को ले लिया गया है क्योंकि चोपड़ा के पास अपनी कंपनी चमकीले की वजह समय नहीं है मंदना को रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाते हुए चुना गया इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुए दूसरे शेड्यूल मार्च 2022 में मुंबई में किया गया था और फिल्मांकन जुलाई 2020 में पेट्रोल पैलेस में आयोजित किया गया था अगले दिन शेड्यूल की दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया था फिल्मांकन मार्च के माध्यम में पूरा किया गया था फिल्म इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में 15 बाई 20 के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी